In this video, I'm gonna tell you how you can turn your front glass into a hydrophobic surface. From this to this. तो गाइज़ ये है वो प्रोडक्ट जो मैं अपनी कार पे आज यूज़ करने वाला हूँ। इसका नाम है ग्लैको केमिकल लिक्विड सुपर वाइपर। सो ये एक जापनीज़ प्रोडक्ट है। सब कुछ जो इसके ऊपर प्रिंट भी है वो भी जापनीज़ में ही है, मेड इन जापान आप देख सकते हो इसमें। सो मेन पॉइंट ये है कि इस प्रोडक्ट का काम क्या है। सो इस प्रोडक्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने फ्रंट ग्लास के ऊपर तो जो सरफेस है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। सो कई बार हमने देखा है कि हैवी रेनफॉल के टाइम पे जो वाइपर्स हम फुल स्पीड पे भी चलाते हैं बट पानी मूव नहीं होता है उसके ऊपर से। सो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सो इस प्रोडक्ट की हेल्प से वो चीज़ हट जाएगी। और इनफैक्ट इस प्रोडक्ट के पैकिंग पे ये लिखा हुआ था कि 45 किलोमीटर से अबव अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वाइपर्स भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ अपनी एक कार के ऊपर और उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है काफ़ी टाइम पहले। और आज मैं इसको अपनी डेली ड्राइव कार के ऊपर यूज़ करूँगा। कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस आपको मैं अभी दिखाता हूँ। कार की कंडीशन अभी काफ़ी ख़राब है, डस्ट वगैरह और इस पर वाटर बॉक्स भी हैं काफ़ी सारे। सो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। सो क्लीन करने के लिए मैं बॉटल से पानी डाल रहा हूँ ताकि आप बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स भी देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं वाइपर यूज़ करूँगा। और उसके बाद एक माइक्रोफाइबर टॉवल से पूरे ग्लास को मैं क्लीन कर लूँगा। सो पानी से साफ करने के बाद मैं सोनेक्स का ग्लास क्लीनर यूज़ करूँगा। इससे ग्लास जो है वो सुपर क्लीन हो जाता है, वो आपको रिजल्ट अभी दिख ही रहा है। एंड फाइनली हम ग्लैको जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे। सो इसको आपको हल्का सा शेक करना है, उसके बाद इसके ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है, आप पीछे से इसको प्रेस करेंगे तो फॉर्म पे लिक्विड आ जाएगा। और इसको पहले हॉरिजॉन्टली आपको ग्लास के ऊपर मूव करना है। सो ग्लास को आप पूरा एक बारी में भी कर सकते हैं या फिर उसको हाफ में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे हाफ में डिवाइड किया है। सो मैं हाफ ग्लास पे मैं हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करूँगा लिक्विड को और उसके बाद मैं वर्टिकली करूँगा। और जो लिक्विड है वो आप इजीली ग्लास के ऊपर देख सकते हो। सो आपको ये भी नहीं होगा कि कहीं पे रह गया है। सो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कहाँ कहाँ पे आप उसको लगा चुके हैं और कहाँ कहाँ पे अभी लगाना है। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो फर्स्ट हाफ को करने के बाद मैं सेकेंड हाफ की तरफ मूव किया मैंने।
और वहाँ पे भी सेम पहले हॉरिजॉन्टली हम करेंगे फिर वर्टिकल। सो इस प्रोडक्ट को आपको काफ़ी देर के लिए नहीं छोड़ना है ग्लास के ऊपर। सो जैसे ही मैंने सेकेंड हाफ किया उसी के बाद मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल लिया और फर्स्ट हाफ को क्लीन किया सबसे पहले एंड देन सेकेंड हाफ को। सो मैंने मुश्किल से इसको 2 मिनट दिए हैं ड्राई होने के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे ड्राई करने के लिए इसको तो ये परमानेंटली आपके ग्लास के ऊपर स्टिक कर जाएगा और फिर काफ़ी टाइम बाद ही हटेगा धीरे धीरे। सो बेटर है कि आप इसको बहुत देर के लिए ना छोड़ें। सो मेरी जो कार थी वो ओपन में पार्क थी, तो उसका जो फ्रंट ग्लास था वो काफ़ी वार्म था, सो इसलिए मैंने उसको 2 मिनट तक ही छोड़ा। बट अगर आप इसको अप्लाई करते हैं किसी क्लोज एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर कम है, सो आपको इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स छोड़ना पड़ेगा लगा के। सो पूरे ग्लास को माइक्रोफाइबर टॉवल से क्लीन करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे अब पानी डाल के सेम वे में। सो आपको बिफोर एंड आफ्टर पता चल जाएगा। सो जो सरफेस है ग्लास का वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक हो चुका है। और फ्रंट ग्लास का रिजल्ट देख के मैंने इसको हेडलाइट पे भी अप्लाई किया।